एक्शन की दुनिया से निकलकर अब प्रभास हम लोगों को एक नए लुक में देखने को मिलने वाले हैं। यूं तो आप लोगों ने प्रभास की कई सारी मूवीजें देखी होंगी, लेकिन इस मूवी की गाइज यार पार्थ बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये प्रभास की जो मूवी है वो एक रोमांटिक मूवी होने वाली है। ये देखना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो बंदा कल तक धुआंधार एक्शन की मूवीज बनाता था, अब वो एक रोमांटिक मूवी लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है प्रभास की एक्शन मूवीज में रोमांस नहीं होता था, लेकिन इस मूवी की जो गाइज बात है वो काफी ज्यादा अलग है प्रभास की और मूवीजों से। जब इस मूवी का टीजर और पोस्टर रिलीज हुआ तो मैं ही नहीं सारी जनता चौंक गई थी कि आखिर आप प्रभास हम लोगों को किस लुक में देखने को मिलने वाले हैं, मूवी की स्टोरी किस तरीके से होने वाली है और मूवी में क्या कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों को, यही आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और जानेंगे थोड़ा सा डिटेल्स के भी बारे में। गाइज मैं आपको बता दूं, राधे श्याम के टीजर को एक दिन के अंदर ही 4.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और लाइक्स तो लाखों पार हो चुके हैं। बात करें मूवी के रिलीज डेट की तो केजीएफ जब रिलीज होगी ठीक उसके 14 दिन बाद हम लोगों को ये मूवी देखने को मिल जाएगी थिएटर पर। यानी गाइस इस मूवी को रिलीज की जा रही है 30 जुलाई को। केजीएफ और राधे श्याम के बीच एक कंपटीशन तो बना ही रहेगा कि आखिर कौन कितना ज्यादा टीआरपी पाती है। इस मूवी में गाइस हम लोगों को प्रभास देखने को मिलने वाले हैं और काफी सालों के बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगी पूजा हेगड़े। इस मूवी की शूटिंग इटली और हैदराबाद में की गई है, तो गाइस ये हम लोगों के लिए देखना काफी ज्यादा कूल होगा कि इसमें किस तरह की बेस्ट लोकेशन डाली गई है एक रोमांटिक मूवी में। अगर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टोरी आखिर किस तरीके से होने वाली है, तो गाइस इस मूवी की स्टोरी विक्रम आदित्य और प्रेरणा के लाइफ के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, उनके लाइफ में क्या क्या चला, उनकी लव स्टोरी कैसे रही, वो दोनों एक दूसरे को कैसे चाहने लगे, इनकी लव स्टोरी के बीच में क्या क्या रुकावटें आई, इस मूवी में हम लोगों को यही देखने को मिलने वाला है। अब सवाल रहा क्या ये मूवी हम लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगी, तो गाइस इस मूवी को तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज की जा रही है, तो आप लोगों को दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी। बस इस मूवी के मेकर और प्रोड्यूसर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज सर इस मूवी को हिंदी डब के लिए प्रभास को ना दें, क्योंकि हम लोगों ने प्रभास की हिंदी डब साहो देखी है तो पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई इनकी आवाज, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। अब गाइस मूवी में क्या होने वाला है, मूवी की पूरी स्टोरी क्या है, ये तो हम लोग जानेंगे मूवी में ही। तो मिलता हूँ आप लोगों से उसी दिन, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।